हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी देख रहे थे, जिसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 देख रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर हमें आज देखना है 5, वोमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपको चैप्टर नंबर 5। वोमेन वोमेन हैज चेंज द वर्ल्ड, या वोमेन चेंज द वर्ल्ड, औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया, वोमेन चेंज द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो बातें कही गई है उसको हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वोमेन है वोमेन ज़्यादा सिंसियर कर्मठ होती हैं, या कहिए कि एक तरह से लगन होता है इनमें काम करने का। उसके बाद में क्या है कि हार्ड वर्कर होती हैं, कठिन परिश्रमी होती हैं, और साथ में ये जो है सो आपको इनके काम करने से आपको आउटपुट मोस्टली जो है सो गुड आउटपुट आता है। उसके बाद में अगर इनको एजुकेशन दिया जाए अगर इनको और अच्छे से पढ़ाया जाता है तो बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो वोमेन के बारे में एक ये बात कही गई है, लेकिन हमारा सोसाइटी वोमेन के बारे में क्या सोच रहा है उसको हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है सो कम है इनके पास में, एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। कम जो है आपका अवसर और कठोर अपेक्षाएं। तो यहाँ पे क्या है कि वोमेन के साथ दिक्कत क्या है कि वोमेन तो ये उसकी क्वालिटी हो गई, दिस इज द विशेषता हो गया। तो ये वोमेन की विशेषता हो गई। अब इसके साथ में एक स्टीरियोटाइप थॉट यह है कि आप जो है सो हम
हार्ड वर्कर टाइप के काम इनको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो एक माइंड सेट सेट किया गया है, बैड माइंड सेट है ऑन बेसिस ऑफ बॉडी, शरीर के आधार पे उनकी माइंड सेट सेट की गई है कि आप जैसे आर्मी में नहीं जा सकती हैं, अब तो खैर अलाउ किया गया है, उसके साथ में जो है सो आपको इंजीनियरिंग वर्क नहीं कर सकती हैं, मैकेनिकल वर्क नहीं कर सकती हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर के मतलब कि बेवकूफ़ वाली बातें हो गई, ठीक है। और ये साइंस वगैरह में ज़्यादा कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वोमेन की विशेषता हो गई। और यहाँ पे इनके पास में चूँकि ये बैड माइंड सेट के कारण इनके पास में क्या है कि अपॉर्चुनिटी या अवसर की कमी है, और जो है उसमें अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, तो ये वोमेन की समस्या है। तो वोमेन यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यह एक इनइक्वालिटी हो गया, और जब इनइक्वालिटी आया तो डेमोक्रेसी ख़त्म हुआ, समझ रहे ना बात को। तो ये है वोमेन के प्रति जो लोगों की थॉट है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि लोगों का थॉट क्या है वोमेन के प्रति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो लोगों का ये भरोसा है या लोगों का जो थॉट है, लोगों का जो भी थॉट है उसको कैसे लड़कियों ने बदला है, ब्रेकिंग पीपल थॉट, लोगों के विचारों को तोड़ना, मतलब ये कैसे तोड़ा लोगों ने। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हैं लक्ष्मी लकड़ा, ये जो है सो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से करी हैं और फर्स्ट वोमेन ड्राइवर इन नॉर्दर्न रेलवे, ये बिलोंग करती हैं झारखंड से, तो जो लोग समझ रहे थे कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं तो उसको इन्होंने ब्रेक किया। पहली है इसमें लक्ष्मी लकड़ा जो इन्होंने ऐसा काम किया और लोगों के विचारों को बदला, ठीक है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि ये कैसे हुआ, तो ये इसलिए हुआ यह इसलिए हुआ या कैसे हुआ भाई, वाई दिस हैपन, बिकॉज अगर लक्ष्मी लकड़ा यह एजुकेशन नहीं करी होती तो उनको ये जॉब मिलती नहीं मिलती। तो सबसे पहले ड्यू टू एजुकेशन, दूसरा है प्रोवाइड
इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, शिक्षा के कारण, और दूसरा है कि समान अवसर दिया गया। समझ रहे बात को? ये तब पॉसिबल हुआ जब उसको शिक्षा दी गई उस लड़की को, और दूसरा है कि उसको समान अवसर मिला तो उसने कर दिखाया। तो लोगों के थॉट को यहाँ क्या क्या हुआ, थॉट ब्रेक हो गया। इससे क्या हुआ कि लोगों का विचार बदल गया लड़कियों के प्रति। नेक्स्ट आपका है, इसमें विचार बदलने में लक्ष्मी लकड़ा के अलावा नेक्स्ट दो लेडी हैं इसमें, वो हैं आपका रामाबाई। ये कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र से हैं। और इनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था आपको पंडित रामाबाई। क्यों? क्योंकि यह संस्कृत अच्छी जानती थी। इनकी संस्कृत अच्छी थी, या कभी स्कूल नहीं गई। ओके, कभी स्कूल गई नहीं है, लेकिन इन्होंने संस्कृत अच्छा पढ़ा लिखा, मेहनत किया बेचारी ने, मेहनत करके इन्होंने सेटअप किया खेड़ा गांव, मिशन सेटअप किया उन्होंने खेड़ा गांव नियर पुणे। पुणे में इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जहाँ पे एजुकेशन, जो वीडियो थी, और साथ में एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था करना जो लड़कियों थी उसके लिए, इन्होंने ये काम किया। किसने? तो ये जो है सो रामाबाई ने ये काम किया। तो ये कब हुआ? जब रामाबाई ने पढ़ा, ये तब हुआ ना जब रामाबाई ने यहाँ पे पढ़ा। अगर पढ़ा नहीं तो हम रामाबाई नहीं कर पाती, क्योंकि ये काम पहले पुरुषों को सौंपा गया था, या पुरुष ही करते थे ये काम को। तो उनको अवसर मिला या उन्होंने अवसर निकाला, दो चीज़ें होती है। एक होता है कि अवसर मिलना, और दूसरा होता है कि अवसर निकालना। तो रामाबाई ने यहाँ पे अवसर निकाला, मिला नहीं उनको, जबकि लक्ष्मी लकड़ा को अवसर मिला, क्योंकि रेलवे ने उनको मौका दिया, लेकिन इनके पास में मिला नहीं तो उन्होंने निकाला। उसके बाद में राम सुंदरी देवी, रास सुंदरी देवी, ये जो है कहाँ की थी? ये वेस्ट बंगाल की थी। इन्होंने भी स्टडी किया, ठीक है, पढ़ा इन्होंने, और पढ़ा के बाद में इन्होंने जो है सो क्या किया है, इनका क्या है इसमें कि इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। अपनी जीवनी इन्होंने लिखा, ठीक है, कब? 60 वर्ष की उम्र में। तो ये तब हुआ होगा जब ये सेल्फ खुद पढ़ी होगी, सेल्फ स्टडी करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना एक अपने आप में बहुत टफ काम है। तो इन्होंने फाइट किया, इन्होंने लड़ा, फाइट किया कि भाई हमें ये राइट तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके लिए इन्होंने मेहनत किया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है रोकिया सखावत हुसैन। Thank you.
ये जो है सो मुस्लिम है, तो इनको उर्दू पढ़ना अलाउड था, लेकिन बंगाली और इंग्लिश अलाउ नहीं था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि यह मॉडर्न थॉट है और बिगाड़ देगा। बट इन्होंने बाद में पढ़ा और इन्होंने एक अपनी किताब भी शायद लिखी है। किताब का क्या नाम है मैं बता देता हूँ आपको, लेडी लैंड, ठीक है। इन्होंने सुल्ताना या लेडी लैंड एक बुक भी लिखी है, और इन्होंने एक स्कूल भी खोला था 1910 में, गर्ल्स के लिए स्कूल खोला इन्होंने। क्या किया, स्कूल खोला, ठीक है। तो ये जो है, ये सारी जो चीज़ें हो रही है, ये कैसे हो रही हैं, औरतों को क्या है मौका दिया जा रहा है और नहीं मौका मिल रहा है, तो वो मौका ले रही हैं, मेहनत करके निकाल रही हैं। तो अब यहाँ पे हमें यह देखना पड़ेगा कि आज का सिचुएशन क्या है। ये तो पुरानी बातें हो गई, जिन्होंने रूल को तोड़ा औरतों ने और अपना सिक्का जमाया या अपने बारे में सोचा और पढ़ाई लिखाई करके समाज को बताया कि औरतें भी ऐसी कर सकती हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि ब्रेकिंग द रूल्स, या कहिए कि वोमेन ने जो ऐसा किया। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है वोमेंस एजुकेशन को लेकर के। तो वर्तमान स्थिति ये है कि समान अवसर जो है सो गर्ल्स और बॉयज को दिया जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सो इक्वालिटी की बात करता है, जो कि 14 से लेकर के 18 तक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका कि सेंसस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका 1961 की जो सेंसस था अगर उसकी बात करते हैं, तो जो मेल हैं जिनको लिटरेट कहा जाता है, 7 वर्ष की उम्र में पढ़ना और लिखना जान गए हैं, जब वह 40% था, तो यहाँ पे फीमेल जो थी 15% थी। सेंसस जो है सो आपका जनगणना जो है आपका 1961 के हिसाब से। उसके बाद में 2011 का जो जनगणना है उसके हिसाब से क्या है सिचुएशन, तो 2011 के जनगणना के हिसाब से 82% मैन और वोमेन जो है आपका 65%। ये जो है सो आपका मैन जो पढ़ना लिखना जिसको लिटरेट कहा जाता है, और ये जो है सो फीमेल हो गई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आज भी गैप है ना जी, यहाँ पे तो था उस टाइम पे गैप लगभग जो है सो 40% और 15% बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज गैप लगभग जो है सो आपको 18-19% का आज भी गैप है। तो यह गैप क्या दर्शाता है कि यह इनइक्वालिटी है या असमानता है, और असमानता जहाँ है वहाँ डेमोक्रेसी का ठहरना मुश्किल हो जाता है, ओके, या राजतंत्र वहाँ रहता नहीं है, लोकतंत्र रहता नहीं है, ये दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे जो है बाकी दलित और आदिवासी में जो वुमेन है, एक तो हमने नॉर्मल पिक्चर प्रेजेंट किया है, दलित और आदिवासी वुमेन में तो और ज़्यादा स्थिति खराब है, ठीक है। तो इतना सारा होने के बाद में वोमेन भी तो फाइट करी होंगी, तो इसमें आ जाता है फेमिनिज्म। वोमेन मूवमेंट को फेमिनिज्म कहा जाता है।
जैसे रिसेंट में आया था एक मूवमेंट मी टू, मैं भी, मतलब ये हरासमेंट से रिलेटेड था, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, या कहिए कि आपका काम के स्थान पर काम जहाँ करती हैं औरतें वहाँ पे परेशान करना मी टू आया। उसके पहले जो आपको 1985 के समथिंग की बात है, डाउरी डेथ होता था, दहेज मांगे और अगर माँ ससुराल वाले नहीं दिए तो लड़के के फैमिली वाले लड़कियों को मार देते थे, डाउरी डेथ होता था, ठीक है। तो इसमें भी आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, और इसका मिसयूज और यूज़ दोनों हुआ है। तो ये 1985 हो गया, ये समझ लो कि 2020 या उससे पहले की जो 20वीं शताब्दी में है, मेरे ख्याल से 2019-20 का है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं याद है लेकिन इसी समय का है। तो डाउरी डेथ हो गया, ठीक है, जो दहेज के लिए मारना, ठीक है, ये डाउरी डेथ हो गया, वुमेंस मूवमेंट में फेमिनिज्म हो गया। उसके बाद में ये हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर के 2006 में आपको जो लॉ आता है, लॉ अगेंस्ट द आपको सॉरी नहीं 1997 में, ये तो आपका डाउरी डेथ हो गया, ये लॉ जो है वो 2006 में आया है। और आपको 1997 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है फॉर वर्क प्लेस सेफ फॉर द वुमेन के लिए, या वुमेन के लिए जो है सो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो आपको, और बाकी जो है सो अवेयरनेस हो गया या जागरूकता हो गया। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है, जो हमने आपको अच्छे से कवर किया, ठीक है।